जुगाई से कॉलेज में चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो सुबह की वजह रहे हैं 9, हम लोग को तो कॉलेज जाना है अभी। चल जब हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं कॉलेज के लिए, लेकिन चले आए, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, फिर हमने किया अपना सस्ता ट्रांजिशन। तो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ कॉलेज के लिए, मैस के लिए। हाँ, मैस के लिए। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। तो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ मैस के लिए। राजा भैया मास्क क्यों पहने हैं, राजा भैया ही बताएंगे। गाइस, काफी पॉल्यूशन हो रहा है और दिवाली से पहले बहुत ज्यादा काफी पॉल्यूशन हो चुका है भोपाल में। तो राजा भैया ने 5 रुपए का मास्क लिया है। वैसे भी हम काफी लेट हो गए हैं मैस के लिए। चलो देखते हैं मैच पे क्या मिलता है, फिर स्पेशल मिल जाए या दिन बन जाए। क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा। फिर हम लोगों ने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई, क्योंकि हम लोग काफी लेट हो गए थे कॉलेज के लिए। फिर हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हुए कि तेरे वजह से लेट हुए, फिर हम आ गए अपनी मैच पे। और हम लोगों ने मैच वाले भैया से पूछा, आज मेन्यू में क्या है? So yummy. तो गाइस, ये है हमारी मैस, श्यामा मैस। काफी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो गाइस, मैस पे खाना खा चुके हैं और हम लोग निकले हैं अब कॉलेज की ओर। वैसे तो गाइस, हम लोग चलते चलते हम पहुंच गए अपने कॉलेज के गेट के बाहर। तो गाइस, ये है हमारा ठिकाना, हमारा कॉलेज। नहीं, मैं नहीं मानता। फिर हमने कॉलेज की हरियाली अपने अंदर कैद की। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। और देखा कि यहाँ तो शूटिंग चल रही है, सभी कंट्री के फ्लैग देख के लगा कहीं वर्ल्ड कप का मैच तो नहीं हुआ ना। तो गाइस, ये कॉलेज में चल रही है अभी शूटिंग, ये देखिए। धीरज सिंह, ये जो एक हत्या हुई है गांव में, क्या मामला, क्या है आपके घर का मामला? भाई कौन सी है? एआई है भाई, फर्स्ट ईयर। वाह बढ़िया। तो गाइस, ये बच्चे लोग, तो गाइस ये शूटिंग चल रही है। ओके सर, ओके सर। तो गाइस, ये अपने आईटी ब्रांच के कुछ लड़के। अगला शॉट है, मैं आपको अभी पेनल्टी पहन जा रहा हूं, उसके बाद मिलता हूं। बाय। Hey, hey! I've seen this one. I've seen this one. This is a classic. तो गाइस, हम लोग हैं अभी लैब में, आईटी लैब में। ये अपने लोडा जी। ये क्या बात करते हैं यार? जो सबकी कोर्सेरा की सर्टिफिकेट निकालते हैं। ये अपने मनु दुबे जी, पंडित जी। बाय प्रोफेशन ये पंडित जी हैं। ठीक है, समरिया समरिया। आदित्य कुमार क्लास में पढ़ते हैं। लगता है। आ पुअर एवरेज, पुअर एवरेज। हेलो जी। तो गाइस, अब ये 7th सेमेस्टर का माइनर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन चल रहा है गाइस, और ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है। देखा, पूरा देखा। ये अगले साल हमें भी परफॉर्म करना है, यही माइनर प्रोजेक्ट हमें भी देना है। ये कुछ दिनों बाद हम लोगों को भी देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस सेमेस्टर भी हमें देना पड़ेगा। हाँ, मिड सेम से पहले। तो बी रेडी नेक्स्ट सेम। <laughs>
तो गाइज आप ये हमारे लोगों के पीछे देख सकते हैं, वैनिटी वैन खड़ी हैं भाई, पांच पांच वैनिटी वैन यार भाई बहुत। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो हीरो था कौन सा था भाई, भूपेंद्र जोगी। नहीं नहीं। और गाइज ये रहा हम लोगों का कॉलेज, ये तो टट्टी है भाई। सही बात बताऊं तो फर्स्ट ईयर पे रोला जमाने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा हर कॉलेज को ऐसा ही करना चाहिए। फिर हम आ गए कॉलेज के बाहर, फिर हम लोग पीने लगे जूस, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कुछ फ्रेश जूस वगैरह पी लें जिससे हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहे। ये है हमारे पटेल नगर के जूस वाले भैया तरफ से फ्रूटी की पार्टी करते हुए 20-20 रुपए वाली। इस बार पहली बार इतनी महंगी महंगी फ्रूटी पिलाई भाई जिंदगी में, तो मैंने खुद ने नहीं अपने पैसों से नहीं पी। पैसे तो बहुत है मेरे पास क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। बाय बाय। A few moments later. तो भाई शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे काम था MP नगर में, तो मैंने इन लोग से बोला कि चलो, तो ये लोग तो गए नहीं तो फिर मैं अकेला निकल गया। तो आज मैं जा रहा हूँ MP नगर कुछ काम करने के लिए अपना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर मैं बैठ गया अपनी बस में जो कि पूरी खाली ही थी, बस चल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कोई धक्का मार रहा है बस में। फिर मैं खिड़की से देखने लगा सुंदर नज़ारे, खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही थी ठंडी। 2 घंटे बाद फाइनली बस पहुंच ही गई। कितनी खुशी मुझे। तो गाइस मैं पहुंच रहा हूं MP नगर, कुछ देर में मेरे दोस्त भी आने वाले होंगे, चलो उनसे भी मिलाते हैं। ये हमारे बचपन के मित्र श्रवण अमित। अच्छा श्रवण जी ने हमें YouTube की शिक्षा दी थी, YouTube इंस्पिरेशन यही है हमारे। कुछ भी मुसीबत में हमारे बड़े आर्थिक भाई को हम पूरा सपोर्ट देते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और अमित भाई गांव से आए हैं तो उनको कबर भी दिला के। और भाई इनका बहुत बहुत धन्यवाद आंसर भाई का जो है ब्लॉग में लिया। और क्या बहुत और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ये तो बता दो पहले। ठीक है चलो। त्योहारों की पहचान DB मॉल से पता चल जाती है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो लेक व्यू देखने के बाद हम लोग चल पड़े फिर भाई BIP लोगों ने देखा, BIP रोड बेस्ट ब्रिज एंड बेस्ट व्यू भाई। बस भाई डर इस बात का लग रहा था कि चालान ना कट जाए क्योंकि हम लोग 3 बैठे थे और हम लोग के पास हेलमेट लाइसेंस गाड़ी के कागज कुछ नहीं था। ऐसा तो हो नहीं सकता जो मैं बोलूं और वो होना। फिर क्या था, कट गया चालान। म्यूजिक फिर हम लोगों ने सोचा चालान कट ही गया है तो चलो टेकरी ही चलते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और निखर। व्यू के लिए हम लोगों ने चालान कटवाया था, पूरा वसूल हो गया। टेकरी पर फिर से पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और ले गए थे थाने। किस्मत हो तो भाई मेरी ऐसी नहीं हो। बड़े ही इज्जत से पुलिस वालों ने हमें भगा दिया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम चलते हैं मैनेट की ओर। मैनेट में तो काफी सारी भीड़ थी, फिर पता चला कि यहाँ तो चल रहा है फेस्ट, यहाँ काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आए हैं, शेर आते हैं, यहाँ काफी भीड़। ये भाई मेन बिल्डिंग प्रैक्टिकल होते थे NIT भोपाल की, भाई का प्रैक्टिकल भी है परसों यहीं पे। अभी से सेंटर देख लिया है भाई ने कहाँ पे बैठना है, मतलब उन्होंने प्रॉपर वो टास्क दे। तो गाइस आज के सारे टास्क हुए पूरे, दिन की शुरुआत हुई थी कॉलेज से और ख़त्म हुआ थाने में। धन्यवाद।